नमस्कार, मेरे दिग नायक, SMS न्यूज में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी बातों से उलट जा रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने आज एक नया फैसला दिया है, जिसके बाद बेरोजगारों के लिए एक बड़ा झटका बना हुआ है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने उन दो योजनाओं पर रोक लगा दी जिनमें युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लोन मिलता था। ये लोन कृषि उद्यमी के लिए और साथ साथ में बेरोजगार युवाओं के लिए होता था। इन दो योजनाओं का नाम था कृषि उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इन योजनाओं में 2 लाख से 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता था, जिस पर कि मार्जिन 10 से 15% होता था और ब्याज 5% होता था। MSME यानी कि मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो कि एक सेक्टर होता है, एक विभाग होता है सरकार का, उसके द्वारा ये लोन दिए जाते थे। इन लोन से युवा अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करता था, तो कोई बड़ी फैक्ट्री लगाकर स्वरोजगार के लिए अपना काम शुरू करते थे। इसके अलावा कृषि उद्यमी योजना जो है, उसके तहत मछुआरों को या आपका है पोल्ट्री फार्म वालों को और ऐसे अन्य लोगों को लोन मिलते थे, जिससे वो अपनी खेती सुधार सकते थे। मत्स्य पालन होता है, उसके अलावा पोल्ट्री फार्म होती है, वो सारे काम किए जाते थे। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं एक रोजगार का विकल्प उपलब्ध हो जाता था। लेकिन फिलहाल इस आदेश के बाद से उन सब के लिए एक झटका भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछली खबर में हमने आपको जैसे बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में 4 साल में पहली बार भर्ती हुई, यानी कि 4 साल में पहली बार वैकेंसी निकली थी। तो पहले से ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पहले ही से युवा परेशान है। आपको बताया कि कोविड के कारण भी कई लोगों की नौकरी चली गई है, बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। ऐसे में यह फैसला और निराशाजनक है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक ये आदेश जारी रहता है, क्योंकि बैंकों को निर्देश दिए गए कि जब तक शिवराज सिंह चौहान की तरफ से या फिर MSME सेक्टर की तरफ से कोई निर्देश नहीं दी जाए, तब तक MP ऑनलाइन पोर्टल पर इसके आवेदन लेना बंद कर दिए जाएं और बैंक किसी भी तरीके के लोन जो है उन पर रोक लगा दें। आपको बताएं कि ये लोन जो है ये 5% ब्याज के थे, इसलिए युवाओं को इसमें काफ़ी सहूलियत भी होती थी। अगर अब वे इसी तरीके के लोन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें इससे 2 से 3 गुना ब्याज देना पड़ सकता है। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है इसमें कि लगातार सरकार कह रही है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, सरकार लगातार कह रही है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार अपने एक्शन से कुछ और दिखाती है, जब सरकार अपने फैसलों में कुछ और दिखाती है, तो ऐसे में देश के युवाओं में, हमारे प्रदेश के युवाओं में एक गलत संदेश जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब रोजगार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कोविड के कारण लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के पास आमदनी नहीं है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में अगर योजनाएं बंद कर दी जाएगी, ऐसे में लोगों तक रोजगार नहीं पहुंचाया जाएगा, तो आखिर लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। आपने सुना होगा कि किस तरीके से लगातार मोदी जी कह रहे हैं, अभी हमारे जिलों में कड़कनाथ के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये 2 से 3 जिलों के लिए पहुँचाए गए हैं। तो लगातार कुछ एक तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी योजनाओं को बंद कर उस प्रोत्साहन को वापस गिराया जा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार की नीति में कोई फर्क है, या फिर शिवराज सिंह चौहान कोई और इरादे से आए हैं। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल एक बड़ा झटका है। देखना होगा कि कब तक ये आदेश लागू रहते हैं, क्या जल्द इन आदेशों को निरस्त किया जाता है, या फिर युवा बेरोजगारों के लिए संकट और गहराता है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।